सो हे फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। और हम लोग एक और वीडियो में आ चुके हैं जहाँ पर कि मैं कुछ पर्सनल बातें करना चाहता था तुम लोगों के साथ। तो जैसे तुम लोगों को पता होगा कि जो हमारा चैनल है इस पर हमने काफ़ी बार अपना जो कंटेंट है वो चेंज किया है, टॉपिक्स। तो मैं तुम्हें एक बार अच्छे से बता देता हूँ। जैसे कि तुम्हें याद होगा कि स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने जो स्टार्टिंग की थी इस चैनल की वो गेमिंग से की थी। हम पोकेमॉन के गेम्स खेलते थे GBA के, फिर ऐसे हमने इम्प्रूव किया, फिर 3DS के और फिर निंटेंडो स्विच तक के भी गेम खेलते हमने इस तरीके से। और उसी बीच हमने जो हमारा पिक्सेलमोन है वो भी खेला था, जिसकी सबसे ज़्यादा ऑडियंस है मेरे चैनल पर इस टाइम पर। और इस टाइम पर हम लोग जो वीडियोस बना रहे हैं वो है एनिमीज की वीडियोस। मैं अब तुम लोगों से एक डायरेक्ट बात करना चाहता था कि क्या मेन रीज़न है हमारा इतना कंटेंट को चेंज करने का, और मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों हमने पिक्सेलमोन और पोकेमॉन के गेम्स खेलने बंद किए। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे जो न्यू ऑडियंस होगी मेरी, जो एनिमे की भी होगी, वो उनके सामने जब पुरानी वीडियोस आती हैं तो उन्हें भी लगता है कि लाइक मैंने काफ़ी ज़्यादा चेंज किया कंटेंट को। तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या रीज़न था जो मैंने ऐसा किया कि पोकेमॉन और जो हमारा पिक्सेलमोन था उसकी वीडियोज़ कम कर दी इतने, और हम एनिमे पर हमने इतना फोकस किया। तो जैसे तुम लोगों को पता होगा कि सबसे पहली बात, मुझे एनिमे में पहले से ही इंटरेस्ट था, और मेरी ऑडियंस को भी। मैं अपनी वीडियोस में भी एनिमे के बारे में बात करता रहता था, तो ऐसी बात नहीं कि मैंने बस बिना किसी चीज़ के ऐसे ही मैंने एनिमे की वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं बचपन से एनिमेज देख रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था एनिमे में। और हाँ, ऐसी बात नहीं कि मेरी ऑडियंस नहीं देखती, जितने भी हम पोकेमॉन को देखने वाले हैं, मतलब जितनी हम हमारे पोकेमॉन की ऑडियंस है, पिक्सेलमोन की ऑडियंस है, वो भी एनिमे देखती है, ऐसी बात नहीं वो नहीं देखती। तो जैसे कि तुम लोगों को एक रीज़न तो पता होगा कि जो हमारा पोकेमॉन है वो अब ऐसा हो चुका है कि उसके अंदर अब ऐश नहीं है। मतलब न्यू सीरीज आई और उसके अंदर फिर ऐश नहीं था, हमारे जो पुराने कैरेक्टर थे वो नहीं थे, तो जैसे पोकेमॉन को काफ़ी हेट मिला। तो ये रीज़न भी था, ये तो खैर बहुत ही छोटा रीज़न था, मेन रीज़न तो इसके आसपास भी नहीं है। तो जो मेन रीज़न था ना, वो था हमारे रिपीटेटिव गेम्स खेलना। कि देखो, जो पोकेमॉन के गेम्स हैं वो हमने बहुत ही बार खेले हैं, और पिक्सेलमोन भी, ये हमने लाइक 2 साल खेला था, और बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो जाते हैं, मतलब सेम चीज़ें जो करने के लिए नहीं बचता कुछ। ये रीज़न रहता है कि हम सेम चीज़ नहीं कर सकते बार बार। तुम ही बताओ, अगर मैं सेम वीडियोज़ बनाऊँगा, लाइक मैंने एक साल पहले जो वीडियो बनाई थी कि कैचिंग माई फर्स्ट पोकेमॉन कोई न्यू सीरीज़ कर, उसके अंदर भी मैं फिर सेम ही काम करूँ कि मैं कैचिंग में फर्स्ट पोकेमॉन, तो ऐसे इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम सेम कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो भी हमने कंटेंट था पिक्सेलमोन से निकाल लिया था, मतलब जो जो उसके अंदर हो सकता था। ये भी रीज़न था कि एक चीज़ को ऐसा नहीं कि हम बस उसको ही मिल करते रहें, उसके अंदर से ही हम लाइक व्यूज़ के चक्कर में हम मतलब बिल्कुल ही बोर कर दें, सेम चीज़ को ही करते रहें बार बार। तो ऐसा होता है कि एक चीज़ की लिमिट होती है कि हम उसे कितना एक अच्छी सीरीज़ की तरह उसे एंड कर दें। एक अच्छी सीरीज़ थी, अब एंड हो गई। ये नहीं कि हम उसे मिल करें इतना ज़्यादा कि बस व्यूज़ के चक्कर में हम बस वीडियोस बनाए जा रहे हैं उस पर। आई नो, मैं वीडियोस बनाऊंगा पिक्सेलमोन के ऊपर, व्यूज़ आएंगे, तुम लोग देखोगे, चाहे बोरिंग भी हो तुम लोग फिर भी देखोगे, क्योंकि वो पिक्सेलमोन की वीडियो है, चाहे तुम्हारा इंटरेस्ट थोड़ा कम हो लेकिन फिर भी। लेकिन एक अच्छा एंड देना एक सीरीज़ को, ये अलग बात होती है। और मैंने इसी वजह से काफ़ी अच्छा एंड दिया था अपने पिक्सेलमोन की सीरीज़ को, काफ़ी अच्छी सीरीज़ थी हमारे चैनल के लिए ही। और बात रही हमारे एनिमे की वीडियोस की, तो ये तुम लोगों को पहले से पता है मैं बहुत ज़्यादा बात करता रहता हूँ एनिमे की, अपने इंस्टाग्राम पर भी और अपनी वीडियोस में भी करता था। तो ये मेरा इंटरेस्ट था इसमें, तो मैंने सोचा चलो अब एक चीज़ है कि हमारे पास काफ़ी लाइक अच्छा कंटेंट रहेगा, क्योंकि मैं भी वीडियोस में बोलता रहता था और मुझे भी इंटरेस्ट था, और तुम लोगों को भी पसंद है मतलब एनिमे, तो ऐसी बात नहीं है, मैं ये जानता हूँ। तो इस वजह से मैं स्विच किया थोड़ा सा। और अगर हम अपने फ्यूचर की बात करें, तो मैं मे बी ना खेलूँ कभी पिक्सेलमोन या फिर एनिमे के गेम्स, तो फन के लिए कभी लाइव स्ट्रीम में कुछ ऐसा करते टाइम हम खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे बुरे लगते हैं, मैं खेलता हूँ भाई, जो पोकेमॉन के गेम्स होते हैं वो सारी चीज़ तो वो तो रहती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं चैनल पर उसकी कोई रेगुलर सीरीज लाऊँ या ऐसा कुछ करूँ, नहीं, क्योंकि यार एक अच्छा एंड देना बड़ी बात होती है किसी भी चीज़ के लिए। और इसी वजह से मैं एनिमे पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें हम ज़्यादा चीज़ें कर पाएंगे, कि इसमें इंटरेस्ट भी रहता है और साथ में एक ज़्यादा टॉपिक्स की चीज़ें रहती है कि हम ज़्यादा कुछ देख सकते हैं। और तुम्हारा भाई सीरीज़ भी स्टार्ट करता रहता है, जैसे कि मेमोरी सीरीज़ थी और व्हाट योर फेवरेट एनिमे सीज़ अबाउट यू, इस टाइप की, और रिव्यू तो चलते रहते हैं टॉप 5 एनिमे, इस तरीके का तो रहता ही है। तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। तुम लोगों ने नहीं देखा हो तो देख लेना चैनल पर जाकर, मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा करने की। आई नो जितना मैं कर रहा हूँ उसके हिसाब से व्यूज़ कम है, बट हो जाएंगे, हमें टाइम चाहिए थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, आई बिलीव इन यू एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ, तो कर लेंगे हम लोग। टॉपिक सजेस्ट करते रहा करो, हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे।
और हमें सेकंड चैनल है जिस पर मैं व्लॉग्स बनाता हूँ। अगर मेरी लाइफ के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानना हो तो व्लॉग देख सकते हो और साथ में इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। तुम्हें लिंक्स मिल जाएंगी कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, तुम वहाँ से कर लेना, ठीक है। मे बी तुम लोग समझ में आगे होगा कि क्या रीज़न था मेरा लाइक पोकेमोन को, पिक्सेल मोन को और जो गेम्स की वीडियोज़ थी उनको छोड़ने का, यही कि रिपीटेटिव था। एक अच्छी एंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है किसी भी चीज़ से, ये व्यूज़ निकालने के मुकाबले एक अच्छी एंडिंग देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। होप करता हूँ तुम लोगों को वीडियो थोड़ी समझ में आ गई हो और वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं हम। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें न्यू देखने के लिए मिलेंगी, मैं अपना बेस्ट दूंगा और तुम लोगों से सपोर्ट की उम्मीद करता हूँ। आगे की वीडियोज़ को लाइक कर देना और चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर दो तुम लोग। आई नो ऐसे ये वीडियोज़ मेरे प्रॉपर सब्सक्राइबर्स के लिए थी, ऐसे नहीं कि कोई अलग से बंदा आ रहा है उसके लिए बना रहा हूँ, नहीं ये मेरे पास सब्सक्राइबर्स के लिए थी, ठीक है। अच्छी वीडियो में ही ब्रांड कर रहा हूँ, तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।